खबरों की ओर बढ़ते हैं। फरीदाबाद के पौश इलाके सेक्टर 10 के मार्केट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ बदमाशों ने युवकों पर डंडों और हथौड़ों से हमला किया। बताया जा रहा है कि यह खूनी संघर्ष कुछ दिन पहले हुए विवाद के चलते हुई। वहीं घायल युवकों की माने तो कुछ दिन पहले उनका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसके चलते उन पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने युवक पर हमला करने के साथ साथ वहां पर खड़ी हुई गाड़ियों पर भी जमकर तोड़फोड़ की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर जा पहुंचे। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस अधिकारी बहुत कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। तो फरीदाबाद से पूरी खबर। बदमाशों ने युवकों पर जानलेवा हमला किया और युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके सरेआम गुंडागर्दी यहाँ मार्केट में 7-10 की मार्केट में की गई है, वो अपने आप में वाकई शर्मनाक है। और यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन उस समय कहाँ सो रहा था जब ये वारदात को अंजाम दे रहे थे। और दूसरी बात, ये पुरानी रंजिश के चलते यहाँ पर जो है पूरा वाक्य हुआ है कि एक गांव नवादा है और एक गांव बचकर है। उन गांवों के ये दोनों पार्टी थी, दो जो जो युवक थे वो थे, और चार लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए और सरेआम हथौड़ों और धारदार हथियारों से उसको जनता के बीच में रोड पर डालकर पीटा गया है। जी बिल्कुल, रोड पर सरेआम पीटा गया है। राजेंद्र, इस पूरे मामले पर क्या कहना है पुलिस का, किस तरह से कार्रवाई अब की जा रही है? और जो इलाका ये बताया जा रहा है काफी पॉश बताया जा रहा है, तो सवाल पुलिस पर भी कि आखिर उनकी चौकसी कैसी रहती है यहाँ पर? नगर